नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सपने में अगर आपको भी मिलते हैं संकेत तो समझ जाए आपके घर में है भूत या प्रेत का वास। टूट पड़ता है मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर भी। तो गाइज अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। गरुड़ पुराण हिंदी धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत मृत्यु लोग जैसे चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश कर सकती है या करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज़ पर खर्च होने लगता है। ये संकेत अब सपने पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत का वास या भूत प्रेत का वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या अपनों या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत पड़ती है या होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं या ऐसी वस्तुएं खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मल मूत्र और अन्य तरह की गंदी चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में ऐसी या चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं जिससे घर का वातावरण पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत उपवास दान पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहाँ प्रेत का वास हो जाता है या होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज़्यादा देर तक होती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर में के पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं उनके घर में देवी देवता चले जाते हैं। घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि का या योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी या पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दे या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद
खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अर्थात यदि व्यक्ति कोई सोकर उठता है, देखता है कि उसके कपड़े निकले हुए हैं या फिर उसके साथ कुछ अजीब हुआ है, तो क्या है, उसके घर में प्रेतों का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश आता हो या होता है, या धन का अचानक से हानि होता है, या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो ये बुरा संकेत माना जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपको ऐसे सपने आते हैं या आपके घर में प्रेत आत्मा अगर है तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए या किस तरीके से हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, इसके विषय में सब डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा।